हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, अगर आप आसान भाषा में प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ICD और CFS में फ़र्क क्या होता है। आपने सुना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, भाई ये पोर्ट ICD है, ये पोर्ट CFS है। दोस्तों, ये दोनों जो कैटेगरी हैं वो पोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। भाई अगर सपोज़ करो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में तुगलकाबाद पोर्ट है, वो है ICD पोर्ट। अब एक जगह आपने देखा CFS, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए दोस्तों, पहले बात करता हूँ CFS की। दोस्तों, CFS की फुल फॉर्म होती है कंटेनर फ्रेट स्टेशन। अब ये क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, आपके पास कंटेनर है, उसकी स्टफिंग करानी पड़ती है माल भेजने के लिए। भाई कंटेनर में तो डालोगे ना माल को। अब आपके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, आप कहोगे भाई मैं अपना माल, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं कहीं छोटी जगह रहता हूँ, मैं तो घर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर तो बड़ा मिल गया, या मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे ट्रक या कंटेनर नहीं आ सकते, छोटी छोटी गलियों में हो सकता है, या वहाँ पे अलाउड ही नहीं है ट्रक या कंटेनर आने के लिए। तो ये CFS क्या करते हैं, आपसे गुड्स लेके, यानी आप CFS में, यानी कंटेनर फ्रेट स्टेशन में, या इन शॉर्ट मैं बोलूँ ये एक तरीके का वेयर हाउस है गवर्नमेंट की तरफ से, कि जहाँ पे आप अपना गुड्स रखवा सकते हैं, कंटेनर भिजवा के वहाँ पे कंटेनर में स्टफिंग करा सकते हैं, और उसके बाद कंटेनर बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा, और वहाँ से वो कंटेनर एक्सपोर्ट होने के लिए चला जाएगा। यानी एक तरीके से ये वेयर हाउस है, ये गोडाउन है जो सरकार ने हमारे फैसिलिटी के लिए ओपन किया हुआ है। यानी मैं उस जगह को यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरे पास कोई गोडाउन या कोई वेयर हाउस नहीं है। अब ये तो बात हो गई CFS की, अब बात करते हैं ICD की। ICD की फुल फॉर्म है इनलैंड कंटेनर डिपो। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंटेनर जाता है, ठीक है, तो उसमें पोर्ट क्लियरेंस होता है, कस्टम का काम होता है। तो जिन पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस की जाती है, पोर्ट क्लियरेंस की जाती है, उसे हम ICD बोलते हैं। यानी सीधी सी बात, अगर मुझे कंटेनर के लिए वेयर हाउस चाहिए तो वो CFS है, और अगर मुझे कंटेनर एक्सपोर्ट करना है तो मुझे CFS से ICD भेजना पड़ेगा, जहां से पोर्ट क्लियरेंस होगा, जहां से कस्टम क्लियरेंस होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ICD और CFS में यह डिफरेंस समझ में आया होगा। आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा 9319001248 पर, या आप हमारी वेबसाइट www.exportexpertsglobal.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑफलाइन लेना चाहे ऑफलाइन लेना ले सकते हैं, ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं। और अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।